हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म पार्टनर के बारे में। पार्टनर के बारे में जानेंगे फुल फैक्ट्स एंड फुल डिटेल्स के साथ। और ये फिल्म में 90s के दो सुपरस्टार ने एक साथ काम किया था। जी हम बात कर रहे हैं गोविंदा एंड सलमान खान की। इस फिल्म को डायरेक्ट उनके फेवरेट डायरेक्टरों में से एक, जी हाँ, देविड धवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। जैसे कि आपको पता है कि देविड धवन की ज्यादातर फिल्मों में गोविंदा एंड सलमान खान होते ही होते हैं। पहले गोविंदा के साथ देविड धवन ने बहुत जबरदस्त एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उसके पास सलमान खान से लगातार कई हिट फिल्में दी हैं। इस फिल्म को जो प्रोड्यूस किया था वो किया था सुहेल खान ने, और उसके साथ मिलकर किया था पराग सांघवी ने। और इस फिल्म में म्यूजिक जो दी थी वो साजिद वाजिद ने दी थी। इसका बजट जो उस टाइम रखा गया था वो 28 करोड़ रुपये रखा गया था, और फिल्म ने कमाए थे 60 करोड़ रुपये, और वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ने 100 करोड़ रुपये का किया था। यह है कमाल की बात। और गोविंदा सलमान खान को एक साथ पर्दे पर देखना यार जबरदस्त है। इसमें सलमान खान सबके स्मार्ट लगे हैं, हैंडसम जबरदस्त, वो तो है ही है, लेकिन इसमें जबरदस्त लगे हैं। आपने देखा ही होगा शायद सलमान खान को। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले जो लिखा था वो संजय छैल ने लिखा था। संजय छैल आपको पता है, जिसने खूबसूरत फिल्म, दो तीन फिल्में संजय दत्त को लेकर वो उन्होंने डायरेक्ट भी की है। और एक बात तो ये स्पेशल बता दूं, गोविंदा के साथ ताकतवर फिल्म से स्टार्ट किया था देविड धवन ने, जो आपको तो पता ही होगा शायद। उसके बाद गोविंदा के साथ देविड धवन की राजा बाबू, शोला और शबनम, राजा जी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बहुत सी फिल्में आई हैं जो गोविंदा के साथ देविड धवन ने काम की। फिर उसके बाद जब 1997 में सलमान खान के साथ पहली बार काम किया देविड धवन ने जुड़वा के बाद, तो वो लगातार बैक टू बैक सलमान खान के साथ काम किया है। जैसे आपको पता है, जुड़वा में काम किया, फिर उसके बाद चल मेरे भाई, दुल्हन हम ले जाएंगे, पार्टनर, मतलब इतनी कामयाब फिल्मों में गोविंदा को छोड़कर फिर सलमान खान के साथ देविड धवन ने काम किया है। और ये फिल्म जो है 2007 में बहुत ही जबरदस्त कामयाब हुई थी। जैसा कि आपको बता दें, उस टाइम जो है सलमान खान के थोड़े ऊपर नीचे अप डाउन चल रहे थे, उसमें ये फिल्म आके बहुत जबरदस्त परफॉर्म की थी, जिसे सलमान खान को वापस एक्टर के रूप पे एक जबरदस्त तरीके से खड़ा किया था इस फिल्म ने। इस फिल्म का बहुत अहम रोल है। जैसे कि आपको पता था, ये फिल्म रिलीज हुई थी 20 जुलाई सन 2007 को। पहले भी ये लोग एक दूसरे के फिल्मों में कैमियो रोल कर चुके हैं। जैसे कि दीवाना मस्ताना में सलमान खान ने एक छोटा सा कैमियो रोल किया था, वो भी लास्ट सीन पर। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, बट जूही चावला को वही ले जाते हैं सलमान खान। पहली बार तो हुआ था हीरोइन को सलमान खान ले गए। उसके बाद एक फिल्म आई थी सलामी इश्क, जिसमें इन दोनों ने काम किया था। और इस फिल्म में जो परफॉर्म करते हुए नजर आए थे पार्टनर में, गोविंदा के साथ साथ सलमान खान, लारा दत्ता, कैटरीना कैफ, दिलीप ताहिल, रजत बेदी, आरती छाबरिया जैसे दिग्गज कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी थी। इसमें एक छोटा सा कैमियो समझ लो, एक हिसाब से दीवार पर तस्वीर टंगी हुई सुहेल खान का भी था, जो कि दीवार पर टंगे हुए नजर आते हैं। इस फिल्म की कॉमेडी बहुत ही जबरदस्त थी, और सबसे जबरदस्त था इसमें सलमान खान गोविंदा का एक साथ पर्दे पे देखना। ये भी काफी जबरदस्त माहौल था, लोगों के अंदर क्रेजनेस ज्यादा बनी हुई थी। गोविंदा और सलमान को एक साथ बड़े पर्दे पे देखना मजेदार था। उस वक्त 2007 में टॉप 5 फिल्मों में नंबर 4th पोजीशन पर थी। जैसा कि बता दें, नंबर 1 पे थी ओम शांति ओम। ओम शांति ओम को फर्स्ट टाइम जो है शाहरुख खान दीपिका पादुकोण जोड़ी जमी थी, जो कि दीपिका पादुकोण की वो डेब्यू मूवी थी, और उसमें जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दीपिका पादुकोण नजर आई थी। और शाहरुख खान का जो मरने के बाद वापस दोबारा जन्म वाला जो कहानी थी, वो लोगों को काफी ज्यादा इंप्रेस की और लोगों को पसंद आई। उसमें शाहरुख खान ने पहली बार 6 पैक्स दिखाए और गाने के अंदर, और उसमें जो गाना जो था आपको पता ही होगा, जिसको आवाज दी थी सुखविंदर सिंह ने। तो ये फिल्म जो है मिला जुला की बहुत ही जबरदस्त थी। नंबर 1 पोजीशन पे ये थी, नंबर 2 पे थी वेलकम। वेलकम को कौन भूल सकता है, वो आइकॉनिक मूवी एक समझ लो है, जिसमें अक्षय कुमार थे, नाना पाटेकर, अनिल कपूर थे। और इस फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिली थी और लोगों ने जबरदस्त प्यार दिया था। नंबर 3 पे थी शाहरुख खान की ही फिल्म चक दे इंडिया, यशराज फिल्म थी, और इसमें शाहरुख खान ने एक जबरदस्त कोच की भूमिका कबीर की निभाई थी, जो लोगों को आज भी याद है, जबरदस्त थी। फिल्म में पहला फैक्ट ये था कि गोविंदा को लेकर उस टाइम लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। इसलिए थी क्योंकि जैसा कि पता है, गोविंदा की लगातार बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। और उससे पहले लास्ट लेटेस्ट रिलीज हुई उनकी जो फिल्म थी 2006 में, वो थी भागम भाग। भागम भाग फिल्म एक जबरदस्त फिल्म थी, लेकिन उसका जो पूरा क्रेडिट है वो अक्षय कुमार ले गए। जैसे कि अक्षय कुमार पे एक चीज का इल्जाम लगाया जाता है, वो अपना रोल बढ़वा लेते हैं और सामने वाले का रोल कटवा देते हैं। उनके ऊपर एक बार बार लोग ने हंसी में, मजाक में, हर तरीके से एक इल्जाम लगाया। तो इसमें गोविंदा को जो क्रेडिट थी वो गोविंदा को ना मिलकर अक्षय कुमार को मिली थी। उसके बाद गोविंदा के फैंस जो है काफी ज्यादा नाराज हो गए थे कि जो हिसाब से गोविंदा कॉमेडी के किंग कहे जाते हैं, उस हिसाब से उनको वो नहीं मिला। बहरहाल जब ये फिल्म रिलीज हुई, इससे गोविंदा काफी ज्यादा फायदा हुआ। इसमें गोविंदा ने एक जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आए, और बराबर टू बराबर रोल था सलमान खान के साथ गोविंदा का रखा है, क्योंकि डेविड धवन इसको डायरेक्ट कर रहे थे और सलमान खान गोविंदा की हेल्प के लिए ही वापस ये फिल्म गोविंदा को लिए थे।
और इस फिल्म के बाद भी गोविंदा का फिर कैरियर चल भी नहीं पाया। इसका तो आपको एक फैक्ट ये भी है कि जैसे कि आपको पता है कि 90s में गोविंदा से बड़ा स्टार उस टाइम मान लो तो कोई नहीं था, क्योंकि गोविंदा की जो भी फिल्म उस वक्त रिलीज होती थी वो बैक टू बैक सुपरहिट या हिट होती जरूर थी। उसी में से एक फिल्म थी जिसका नाम था जुड़वा। जुड़वा फिल्म मिली थी गोविंदा को। गोविंदा ने ये फिल्म जब कुछ दिन शूटिंग की तो सलमान खान ने उनसे कहा यार कितनी फिल्म करोगे, कुछ फिल्म हमारे लिए भी छोड़ दो। तो गोविंदा ने शूटिंग करने के बावजूद ही फिल्म छोड़ दी थी, जो फिल्म मिली थी सलमान खान को। तो उनका याराना वहां से चल रहा है। तो उसके बाद भी लोगों ने बहुत सी चीजें इसके ऊपर लगाई हैं, अप डाउन लगाए उस पर, बोला भी कि एक तो बात हुई थी जब सोनाक्षी सिन्हा के लेकर, कि सोनाक्षी सिन्हा को सलमान खान ने दबंग में चांस दे दिया, गोविंदा की लड़की को नहीं दिया, उस पर कितने लोगों ने उठाया था। गोविंदा काफी ज्यादा नाराज है, सलमान खान ने उनके साथ सही नहीं किया है, उनको बेटी को लॉन्च करना चाहिए था। मतलब तमाम अफवाह उस टाइम भी उड़ी थी दबंग के टाइम, जब सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बना रहे थे। बट ऐसी कोई पर्सनल चीजें गोविंदा की तरफ से नहीं आई। हाँ, एक वर्ड पे एक गोविंदा ने ये बात बोली थी कि मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो उन्होंने सबके लिए ये बात बोली थी। लेकिन एक चीज ये है कि गोविंदा और सलमान की दोस्ती तब भी थी और आज भी वैसे बरकरार है गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती। इसका एक फैक्ट ये भी है कि सलमान खान के अपोजिट जो हीरोइन रखी गई थी वो रखी गई थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन आपको पता है कि डेविड धवन की फिल्म सलमान खान स्टारर मैंने प्यार क्यों किया में काम कर चुकी थी, और डेविड धवन का था कि मैंने प्यार क्यों किया वाली जो हिट जोड़ी है उसको वापस इसमें रखा जाए। पर कुछ वजह से इस फिल्म में सुष्मिता सेन को रिप्लेस कर दिया था लारा दत्ता ने। और इसका इफेक्ट ये भी, इस फिल्म को करने के लिए गोविंदा ने कई किलो वेट अपना, मतलब 17-18 किलो वेट जो है कम किया था कि इस फिल्म को परफेक्ट दिखने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट था वो सलमान खान का। सलमान खान ने अपने जिम में ले जाकर गोविंद जबरदस्त पसीना बहाया गोविंदा ने सलमान के जिम में जाकर, और उन्होंने 17 किलो वेट कम किया था, जिसमें गोविंदा इसमें काफी फिट नजर आते हैं। इसका इफेक्ट्स ये भी था कि गोविंदा का जो लोगों को ने बहुत ज्यादा उस वक्त ये कहा था कि इसके बारे में कि गोविंदा के जो है वापस कमबैक है, जो नहीं चल पाएंगे, उनके वो टाइम खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया, लेकिन गोविंदा ने इस परफॉर्मेंस से सबको, अपने परफॉर्मेंस से गोविंदा ने सबको चौंका दिया। इतनी जबरदस्त तरीके से वापसी की थी गोविंदा ने, लग रहा था गोविंदा का वो जो टाइम था वो अभी भी बरकरार है, बट इसके बाद वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाए। इसका इफेक्ट्स ये भी है कि इस फिल्म को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इसको कई शेड्यूल में इसको शूट किया गया था, इसलिए इस फिल्म को बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था। इसका फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म में सलमान खान एक लव गुरु के कैरेक्टर निभाते हुए नजर आते हैं, जो कि अमेरिकन एक रोमांटिक कॉमेडी हिच की रीमेक थी, जिसके वजह से वो उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया था इनके प्रोड्यूसरों के ऊपर। बाद में जाके इनके प्रोड्यूसर और उनके प्रोड्यूसर मिलकर इसको सॉर्ट आउट किए, फिर जाके इसका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई थी। आपको पता है वो जो सलमान खान ने लव गुरु का कैरेक्टर निभाया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया था, बहुत ही मजा आई थी सलमान खान को इस अवतार में देखने के लिए। क्योंकि सलमान खान इसमें एक रोल होता है कि लोगों को सिखाते हैं प्यार, लड़कियां कैसे फंसाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसका गलत यूज करके नहीं, सच्चे दिल से, लेकिन उसका नाम लेके रजत बेदी जो है वो गलत तरीके से यूज करते हैं, ये जबरदस्त दिखाया गया था फिल्म में। और अपना भाई जो है सलमान भाई इतना जबरदस्त स्मार्ट हैंडसम लगा है, मुझे मैं क्या बताऊं आपको, जबरदस्त। और उसके बाद गोविंदा के साथ जो जो उनकी तूतू मैमे होती है वो जबरदस्त होती है। और उसका जो एक सॉन्ग था सोनी दे नखरे सोने, मतलब गाने भी जबरदस्त थे भाई साहब। और सलमान खान जबरदस्त वो लव गुरु वाला, उस टाइप कितने लोगों ने लव गुरु की वजह से ये धंधा खोला था सलमान खान को देखकर, क्योंकि सलमान खान जो चीज़ करते थे उस वक्त ट्रेंड में हो जाती थी हमेशा के लिए। जैसे कि तेरे नाम में बड़ा बाल था वो चलने लगा था, तो इसी तरीके से लव गुरु का इसमें चलने लगा। बाद में तो दबंग उबंग आई तो लोग चुलबुल बनने लगे, तो टाइगर बनने लगे, वो बात की बात है, बट उस दौर में भी सलमान खान के लोग फट से कॉपी करते थे। तो लव गुरु वाला कैरेक्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर यूज़ किया था, कॉलेज में स्टूडेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करने लगे कि मैं तुमको बताऊंगा ऐसे, तो उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था। लेकिन उसमें सलमान खान ने दिखाया कि लव गुरु थे लेकिन वो सच्चे लोगों के लिए थे, गलत लोगों के लिए नहीं थे, और ये फिल्म जबरदस्त कामयाब हुई थी। फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म में जो कैटरीना कैफ का रोल जो मिला था वो रोल कैटरीना कैफ को ना मिलकर वो करीना कपूर को रोल दिया जाने वाला था, लेकिन सलमान खान के डिमांड पे फिल्म में जो कैटरीना कैफ को रखा गया था। जैसा कि आपको पता है कि सलमान खान जो बोल देते थे वो चीज़ होनी ही थी, और डेविड धवन से जबरदस्त कनेक्शन था, तो जाहिर सी बात है भाई के नाराज कौन कर सकता है, भाई तो भाई है अपना। तो इसलिए कैटरीना मैडम जी को इसमें गोविंदा का अपोजिट वाला रोल मिला था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसके अंदर ये थी कि सलमान खान कैटरीना साथ पेयर में नजर नहीं आए थे। गोविंदा के साथ पेयर बना था कैटरीना का, और सलमान का बना था लारा दत्ता का। लेकिन लारा दत्ता और सलमान खान का जो पेयर बना था वो जबरदस्त लगा था, बहुत ही क्यूट, इसमें लारा दत्ता भी लगी है और बहुत ही जबरदस्त। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी। कहानी आपको पता ही होगी बहुत ही जबरदस्त थी इसकी, जिससे कि सलमान खान एक लव गुरु बने हुए हैं और गोविंदा को कैटरीना से प्यार हो जाता है, लेकिन गोविंदा कैटरीना कैफ से कुछ कह नहीं पाते, तो उसके लिए वो सहारा लेते हैं लव गुरु का यानी प्रेम भाई का, और सलमान खान उनकी हेल्प करते हैं। और किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं कि उनको कैटरीना कैफ मिल जाती है। यही फिल्म की कहानी थी, लेकिन बीच में काफी ज्यादा कॉमेडी जबरदस्त। उसके बाद गोविंदा ने कई फिल्में की, जैसे कि चल चला चल फिल्में की, उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब की, 14
नॉटी 40 की, मतलब जितनी फिल्में गोविंदा ने की बैक टू बैक वो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। जैसा कि आपको बता दें, एक फैक्ट ये भी है कि गोविंदा ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, जितना सपोर्ट उनका फिल्मी कैरियर में वापस कम बैक करने के लिए सलमान खान ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने गोविंदा ने सलमान खान को कई बार थैंक्स भी बोला है। बट उसमें कुछ एक चीज़ें वीडियो ऐसे भी आई है कि लोगों ने ये भी चलाया कि गोविंदा ने ये कहा था कि सलमान हमारी फिल्म रिलीज नहीं होने था, तो उसको भी गोविंदा ने कहा कि ये चीज़ें अपने मन से चलाई जाती हैं क्योंकि उस टाइम वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, ये वर्ड उनके निकला था लेकिन उसका मतलब लोगों ने कुछ और तरीके से ले लिया था। तो लोगों ने सलमान खान का नाम जब आता है कहीं पर, आपको जैसा कि पता है कि सलमान खान जब नाम किसी भी चीज़ पर आ जाए अच्छी या बुरी चीज़ों पर, तो लोग उसको फौरन कैच कर लेते हैं कि ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, बम्पर न्यूज़ है, इसको हाईलाइट बना के चलाना है। जो कि गोविंदा ने सलमान खान का भी सपोर्ट किया था ऐसा नहीं है, सन 1997 में जब वो फिल्म जुड़वा मिली थी वो गोविंदा की वजह से ही सलमान खान को मिली थी, क्योंकि गोविंदा उस फिल्म की कुछ दिन शूटिंग में कर चुके थे। आपने अगर ये फिल्म देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपकी क्या यादें इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक कर दिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको कौन सी वीडियो देखनी, ये भी मुझे बताया कीजिए, मैं आपकी टॉपिक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और भाई को सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए, ओके डाटा बाय, सी यू अगेन, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई।